अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, मैं अभी अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर आंटी, आंटी आंटी अपनी आंखें खोली, डॉक्टर सब सुहासनी आंटी बहुत तेजी से सांसें ले रही है, प्लीज जल्दी जल्दी चलिए। आप यहीं पर रुकिए। आंटी की रक्षा करना, मनु अंकल का है? अंकल मामा तो चले गए। क्या तुमने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, पर उन्हें मेरी बात मानी नहीं, उल्टा बहुत जोर से मुझे थप्पड़ मार दिया, मुझे मेरा सर चकरा दिया, मुझे खुद को कुछ समझ में नहीं। जब तक पता चला वो जा चुके। पीछा करना चाहिए था। मैं कैसे उनका पीछा करता, उन्होंने मुझे कसम दे दी। मनु ने ऐसा क्यों कहा कि 20 साल पुराने गड़े मुर्दे उखड़ जाते हैं? ये तो ताजा ताजा कब्र की तैयारी हुई। कहीं सुहासिनी आंटी सीरियस तो नहीं? डॉक्टर ने जवाब तो नहीं दे दिया? हे भगवान, शिल्पा। हेलो शिल्पा बेटा, कैसे हो तुम? क्या बताऊं मां, मैं कैसी हूं? आप लोगों को तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है, कोई मुझे फोन ही नहीं करता, हमेशा मैं ही फोन करती हूँ। आपको तो सिर्फ एक ही बेटी की परवाह है, वो है कावेरी दीदी। मैं कैसी हूँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ना। शिल्पा बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम दोनों तो मेरे जिगर के टुकड़े हो, और माँ अपनी बेटियों में फर्क नहीं करती बेटा। फिर आप मुझे फोन क्यों नहीं करती माँ? शिल्पा बेटा, तुम रो रही हो? क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो? मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? किससे डर लग रहा है बेटा? कौन डरा रहा है तुम्हें? मुझे तो ना। हेलो, हाँ शिल्पा बेटा, कौन तुम्हें डराने की हिम्मत कर रहा है? पापा, पापा कोई मुझे नहीं डरा रहा, मुझे अपने आप से डर लग रहा है। क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। पर कुछ अच्छा सा नहीं लगता है। ओह, मैं समझा, तुम अपने घर के हालात की वजह से परेशान हो। जी 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 पापा, मुझे आपकी याद आ रही है। अरे तो तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती शिल्पा? नहीं नहीं पापा, घर पर इस वक्त कोई नहीं है, सब हॉस्पिटल गए हैं। ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है पापा। तो ठीक है, हम दोनों वहां आ जाते हैं, अब इसी बहाने तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजार लेंगे, और फिर तब तक रोहित भी आ जाएगा। नहीं पापा, रोहित बस अभी आता ही होगा। पापा, पापा, क्या हुआ बेटा? शिल्पा क्या बात है? पापा, मैं
मैं बहुत बुरी हूं ना? नहीं शिल्पा बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो मेरी सबसे अच्छी बेटी हो, बल्कि तुम हम सब लोगों में सबसे ज्यादा समझदार हो बेटा। अरे तुम बेटा देखो, तुम्हारे अंदर सारी अच्छी बातें, सब कुछ कह डालते हो बेटा। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है पापा। ये छोटी छोटी बातें ही तो खास होती हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे माफ कर देंगे ना? शिल्पा बेटी, तुमसे कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती, तुम कभी कोई नासमझी कर ही नहीं सकती बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और अगर किसी को कुछ बोल भी दिया, देख लेंगे। शोले अमिताभ बच्चन की वो लाइन है ना? ठीक ठीक बिल्कुल राइट। मैं जी गई पापा। अच्छा बताओ बेटा, और सब वहां कैसे, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या कहूं पापा, गलती गलती से नहीं की जाती, गलती तो हो जाती है। अब ये कौन सी फिल्म की लाइन है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रही बेटा। मैंने तो आपको उल्लू बनाया। क्या हमारा बचपन लौट कर वापस नहीं आ सकता? मैं फोन रखती हूँ। कह दिया शिल्पा ने? कुछ नहीं पद्मिनी, फोन पर बात हुई तो बाप बेटी के आंसू मुड़ पड़े। पहले शिल्पा रो दी, उसके बाद मैं। कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? अरे नहीं पद्मिनी, कोई घबराने वाली बात नहीं। फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि उसे डर लग रहा है? नहीं नहीं, वो हॉस्पिटल में पीके ने उससे कुछ कह दिया था, कावेरी ने मुझे फोन करके बताया। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें इस बोध का, नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे अंदर के जानवर को चबाया, वार किया है स्वास्नी पर, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वार क्या होगा।
में कुछ भी उल्टा सीधा कर देंगे। बस सीधा कुछ नहीं होगा, जो होगा सब उल्टा ही होगा। मुझे रोकना मत कावेरी, क्योंकि आप ना कोई सोच होगी ना समझ होगी, सिर्फ फैसला होगा, वीके राजपूत का फैसला। थी ना, तो इसलिए हमने आपके बारे में कुछ बताया नहीं उसे। अच्छा, क्या सारी जिंदगी मैं अपनी बेटी के लिए परेशान रही? मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लिए परेशान हो। वैसे जो जैसा चल रहा है चलने दो, बस एक बार प्रीति से बात करा। उसकी आवाज सुने बहुत दिन हो गए। अरे तो बल्लू को फोन लगाना। इसमें कोई बात नहीं, वो सुंदरा जी को फोन लगाओ। मम्मी जी को क्यों अच्छा नहीं लगता? तो शेफाली जी के मोबाइल पर ट्राई करो। मौसी तो मार्केट गई। अरे तो लैंडलाइन पर फोन करो, अब देर मत करो, मुझे एक बार प्रीति से बात करो। तो इतनी परेशान क्यों है? पसीने पसीने हो गई है, क्या बात है? जी कुछ 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 नहीं आंटी, कोई बात नहीं है। कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही है। मेरा यकीन कीजिए आंटी, कोई बात नहीं है। तो लगा ना फोन,
जी फोन लगाना, अरे लगाना, लगाते क्यों नहीं हो? कावेरी सच सच बताओ, बात क्या है? आंटी सच तो ये है कि प्रीति हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उसने उसने एसएमएस भेज मैं सिखा दिया और खुद को शरीफ औरत साबित कर दिया। मैं जानती हूं कि तुम प्रीति को पसंद नहीं करती। प्रीति मेरी सौतन नहीं, मेरी बहन है। ये सिर्फ एक दिखावा है। ऐसे तुमने बल्लू से उसकी शादी कराई और मौका मिलते उसे घर से बाहर निकाल दिया है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ कावेरी, यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। आंटी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने प्रीति से कुछ नहीं कहा, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। आंटी आंटी आप ठीक था ना? Okay.